अस्सलाम वालेकुम तमन्ना व्लॉग्स में आपको खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं पुदीना आलू। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आलू लेंगे और उसको अच्छे से स्लाइस करेंगे। स्लाइस करने के बाद हम इसको वॉश करेंगे। तो लेते हैं एक पैन। आलू को वॉश करने के बाद हमें इन आलू को फ्राई करना है। हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल लाइट ब्राउन रखना है इनको, जैसा कि आप देख रहे हो। तो ये प्रोसेस आपको एक दो मरतबा करनी पड़ेगी। तो जब तक आलू को हम फ्राई करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये आलू यहाँ पे हो गए फ्राई। तो अभी हम एक और पैन लेते हैं, डीप पैन, और उसमें ऐड करेंगे हम एक चम्मच ऑयल, और ऑयल गर्म होने पर उस पर ऐड करेंगे हम ज़ीरा एक चम्मच, हल्दी एक चम्मच, गरम मसाला एक चम्मच और कश्मीरी मिर्ची दो चम्मच। दो चम्मच ऐड करने के बाद हम इसको स्टायर करेंगे, सूट करेंगे, मसाला बनाएंगे। यहाँ पे धीमी हीट रखनी है आपको ताकि ये मसाले जल न पाएँ, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मसालों को अच्छी तरह से भुनना है। मसालों को बीच बीच में पानी ऐड करना है और साथ साथ स्टायर करते रहना है। बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मसाला हो गया तैयार। और अब हम इस स्टेप पे ऐड करेंगे जो हमारे पास फ्राइड आलू हैं उनको ऐड करेंगे। तो ये डाल दिया हमने आलू इसमें मसाले में, और अब हम इसको एक मिक्स दे देंगे, अच्छा सा मिक्स एक दे देंगे इनको। और मिक्स होने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, करीबन 300 ml के करीब हम पानी ऐड करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करके ढक्कन करेंगे बंद और 5-6 मिनट के लिए इनको पकाएंगे। ये एक उबाल आ गया इन आलू का, और इस पे हम ऐड करेंगे इसको पुदीना। ये ड्राई पुदीना है 3 चम्मच। ये आपके आलू में टेस्ट बढ़ाएगा और बहुत ही अच्छी स्मेल दे देगा। ऐड करेंगे साल्ट। साल्ट ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम ग्रीन पुदीना लीव्स ऐड करेंगे इसमें, और इसका ढक्कन करेंगे बंद। 1-2 मिनट के लिए रखेंगे, बाहर में उतार देंगे। तो ये आलू पुदीना हमारे हो गए तैयार। अब हम इनको सर्व करते हैं। बहुत ही अच्छे मज़े के आलू बनते हैं, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप ज़रूर अपने घरों में ट्राई कीजिएगा और हमें अपने फीडबैक भेजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे हम इसको गार्निश करेंगे पुदीना लीव्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।